ईडी के समन के खिलाफ हेमंत सोरेन का अगला कदम, कल हाईकोर्ट जा सकते हैं सीएम, क्या चौथे समन पर होंगे हाजिर। ईडी के समन के विरुद्ध मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 22 सितंबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से याचिका निष्पादित होने के बाद मुख्यमंत्री पहले हाईकोर्ट में ईडी के अधिकार को चुनौती देंगे और पीड़क कार्यवाही पर रोक लगाने संबंधित कोर्ट से आग्रह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर हाईकोर्ट जाएंगे सीएम। ईडी ने उन्हें चौथा समन कर 23 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन उनके ईडी कार्यालय जाने की उम्मीद नहीं के बराबर है। वह ईडी को हाईकोर्ट में दाखिल याचिका की जानकारी देंगे और न्यायालय का आदेश आने तक ईडी को इंतजार करने के लिए कहेंगे। 18 सितंबर को मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे निष्पादित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी कि वह पहले हाईकोर्ट में अपनी बात रखे, इसके बाद से मुख्यमंत्री के हाईकोर्ट जाने की संभावना बनी हुई है। पूछताछ के लिए सीएम को 4 समन भेज चुकी है ईडी। पूछताछ के लिए ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को अब तक 4 समन भेजा है। सबसे पहले उन्हें 14 अगस्त को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था। जब वह नहीं पहुंचे तो उन्हें ईडी ने 24 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया। उस दिन भी नहीं पहुंचे तो उन्हें 9 सितंबर को पूछताछ के लिए समन किया गया। अवैध खनन के आरोपित गोरा और काला संजय से पूछताछ। साहिबगंज में 1,000 करोड़ के अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी ने साहिबगंज के 2 पत्थर कारोबारी बंधु गोरा संजय व काला संजय को समन किया है। दोनों को 27 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इन्हें 20 सितंबर के लिए भी ईडी ने पूर्व में समन किया था, लेकिन ये नहीं पहुंचे तो ईडी ने उन्हें 27 सितंबर के लिए समन किया है। गोरा संजय व काला संजय दोनों पंकज मिश्रा के सहयोगी बच्चू यादव के भांजे हैं। इन पर आरोप है कि ये अवैध पत्थर खनन मामले में बच्चू यादव को मदद करते थे। ईडी ने जब बच्चू यादव के बैंक खातों में हुए लेनदेन का ब्यौरा खंगाला और इससे जुड़े साक्ष्य व निवेश की जानकारी जुटाई तो इन दोनों के बारे में जानकारी मिली। ये बच्चू यादव की अवैध संपत्ति का निवेश करते थे। बच्चू यादव को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है।